मित्रों 23 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक दिल्ली में मतलब भारत में स्मार्ट सिटी का एग्जीबिशन है, और वो भी पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी का एग्जीबिशन, और उसमें हमारी मतलब यूएसटी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। और उस पार्टिसिपेशन में यूएसटी वहां दिखाएगी सबको स्मार्ट लिनियर सिटीज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यूएसटी की मतलब स्काईवे की। तो आइए वो देखते हैं कि वो न्यूज कैसी है, और बहुत ही जल्दी मतलब 23 तारीख इस मार्च को, मतलब इस 2-3 दिन में वहां दिल्ली में उसका एग्जीबिशन, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उसका एग्जीबिशन रहेगा। तो मित्रों आप जरूर आना वहां। जिन लोगों ने ऐसा समझे कि 50,000-1,00,000 स्काईवे के शेयर है जिन लोगों के पास, उन्होंने तो जरूर जाना चाहिए वो देखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में अगर उनके पास शेयर है तो उन्होंने ये चीज देखना चाहिए। क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं भारत में आएगा क्या, इधर आएगा क्या, उधर आएगा क्या, कब मार्केट में आएगा, कब उसका डिविडेंड मिलेगा। तो मित्रों आंखों से देखिए वहां कि स्मार्ट सिटी का एग्जीबिशन कैसे रहता है, और उसमें यूएसटी का मतलब स्काईवे का स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट लिनियर सिटी का एग्जीबिशन कैसे है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे रहेगी, आंखों से देखिए। मैं तो चला अभी दिल्ली, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल वहां तैयार रहूंगा। आपको तो पता है कि अभी अभी 13 तारीख को ही मैं आया हूं उधर से, दिल्ली उत्तराखंड राजस्थान से। तो फिर भी मैं और भी जा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी स्काईवे की मतलब यूएसटी की स्मार्ट सिटी का एग्जीबिशन है। तो आइए वो देखते हैं न्यूज। ये है आरएसडब्ल्यू, ये आरएसडब्ल्यू में ये देखिए ये न्यूज आई है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट एट स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022। इसे देखिए क्लिक किया, ये 19 तारीख की न्यूज है मतलब आज की। एक्सपो 2020 ए ग्लोबल फोरम दैट गेव ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। तो ये जो न्यूज है, ये न्यूज आप यहां पढ़ सकते हैं, मैंने यहां हिंदी में भी की है, यहां ट्रांसलेट की है इंग्लिश की हिंदी में, ये देखिए आप ये पढ़ सकते हैं। और मैं डायरेक्ट अभी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी मतलब एनाटोली यूनिट्स की जो खुद की वेबसाइट है unitski.com, तो उस पर जो न्यूज आई है वो पढ़ता हूं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC विल शोकेस स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट एट स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022। वाह, तो उसका मतलब यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी INC अब यह दिखाएगी इंडिया के एक्सपो 2020 में जो स्मार्ट सिटी का एक्सपो है, वहां जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट है यह सब वहां दिखाएगी कि कैसे रहता है। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड लार्ज स्केल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022। द इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 23 टू मार्च 25 इन न्यू दिल्ली। ये इवेंट 23 मार्च से 25 मार्च तक होगा न्यू दिल्ली में इंडिया। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC विल टेक पार्ट इन इट प्रेजेंटिंग इट्स ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। मतलब यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और वहां प्रेजेंट करेंगे कि इसका यूएसटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा और ये दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ये कैसे रहेगा। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 इज फोकस्ड ऑन सच एरियाज एज ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंट, IoT, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ये हर चीज इसमें कैसे होती है, क्योंकि यूएसटी की जो ट्रेन है वो तो बड़ी स्मार्ट है, इसमें डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इनोवेटिव अर्बन प्लानिंग मेथड्स, सोलर एनर्जी, लॉजिस्टिक्स एंड मच मोर। लॉजिस्टिक मतलब जो मालवाहू रहते हैं, यानी इस देश का माल उस देश में जाता है, उस देश का उस देश में आयात निर्यात जो है वो लॉजिस्टिक में आता है, कि जो भी हम कार्गो बोलते ना जिसे, वो लॉजिस्टिक में आता है। इन एडिशन टू द मेन प्रोग्राम,
द इवेंट विल इंक्लूड वेरियस कॉन्फ्रेंसेस ब्रीफिंग्स, मतलब उसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे उस इवेंट में, सेमिनार्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. दिस ईयर, मतलब जो जगत के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स है वो वहां बताएंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या होता है इस यूएसटी में, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और इन स्मार्ट सिटीज में. This year Smart Cities India Expo will be held for the 7th time. The number of participants is 800. मतलब इस बार सातवें बार ये Smart Cities India Expo ये लिया जाएगा और इसमें 800 participants हैं. ठीक है, ये Convergence India Expo 29. 7th Smart Cities India Expo Accelerate Nation Building at India's Largest Tech and Infra Expo. हाँ, ये फोटो. उसके बाद यह है smartcitiesindia.com. During the exhibition, Unitsky String Technologies INC will show an innovative second level transport that will change urban and suburban logistic for the better. मतलब शहरी और समझो जो बड़े शहर और छोटे शहर उसमें के उसमें जो समस्याएं हैं ट्रांसपोर्टेशन के और स्मार्ट सिटी को कैसे हल करेंगे, तो इनोवेशन ये दिखाया जाएगा. अनमैन्ड स्ट्रिंग रेल कॉम्प्लेक्सेस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक जाम्स एंड रोड एक्सीडेंट्स, डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट एंड मेक द ट्रिप कंफर्टेबल एंड फास्ट. मतलब ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं इससे, और ये किसी भी एनवायरमेंट को, मतलब अपने जो भी पर्यावरण है उसको खराब न करते हुए, और अपनी ट्रिप जो है कहीं भी हम जाते हैं तो कंफर्टेबल और फास्ट हो जाए. यूनिमोबाइल्स कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 150 किलोमीटर पर आवर. जो इसमें कि यूनिमोबाइल है वो 150 के स्पीड से, 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से कैसे जाती है, एंड सर्विस अप टू 50,000 पीपल पर आवर, और 50,000 लोगों को एक घंटे में कैसे ले जाती है उसकी सर्विस, इतनी बढ़िया कैसे, वो सब वहां दिखाया जाएगा, आपको समझ में आएगा. अगर आप जाएंगे तो खुद जाएंगे तो खुद का दिमाग लगाएंगे समझ में, तो समझने में. इन एडिशन स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स tenfold less energy for traffic than its competitors. मतलब जो दुनिया के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे 10 गुना कैसे कम एनर्जी लगती है, मतलब जैसे बुलेट ट्रेन है उससे 10 गुना कम करंट में ये यूएसटी ट्रेन कैसे जाती है वो भी वहां दिखाया जाएगा, उसका ही एग्जीबिशन है. एंड द ट्रेसल डिजाइन अलाउज टू कीप इंटैक्ट द लैंडस्केप्स इन द प्लेसेस वेयर द रूट विल पास. वाह मित्रों, ये तो ये जो है ना ये चीज हमने अपने शारजा में देखी है, वहां के यूएसटी सेंटर में. ये जैसे टोइंग कर रहे हैं, एक गाड़ी अगर ये बिगड़ी तो दूसरी गाड़ी आ जाती है और इसको टो करके लेके जाती है. The exhibition can be visited until March 25 inclusive. मतलब 25 तारीख तक ये एग्जीबिशन है, 23, 24 और 25 तीन दिन ये एग्जीबिशन है. Unitsky String Technologies INC invites its partners and anyone. देखिए मित्रों, ये है साउंड पोल्यूशन, ये जो आवाज आ रही है ना आपको, नॉइस साउंड पोल्यूशन, USP से नहीं होगा साउंड पोल्यूशन. चलिए फिर से पढ़ते हैं. द एग्जीबिशन कैन बी विजिटेड अंटिल मार्च 25 इंक्लूसिव. यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC इनवाइट्स इट्स पार्टनर्स एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी टू वॉच द यूएसटी प्रेजेंटेशन. इट विल बी हेल्ड एट स्टैंड नंबर 4.230, 4.230 नंबर का जो स्टैंड है वह पवेलियन नंबर 4 में, तो वहां इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा यूएसटी का, यूएसटी टेक्नोलॉजी का, और जितने भी यूएसटी के
पार्टनर्स है, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स है वो सभी, उन सभी को यूएसटी जो कंपनी है वो इनवाइट करती है, उन सभी को जिनके भी पास यूएसटी के शेयर्स है, मैंने तो बोला कि जिनके पास 50,000 या 1,00,000 के ऊपर है उन्होंने आना चाहिए, लेकिन यहां तो बताया है कि सभी जितने भी जिनके पास कम भी शेयर्स है उन्होंने भी वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वहां आएंगे वो देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ज्ञान आएगा, वो नॉलेज आएगा, तो आप लोगों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, सरकार पर जल्दी जल्दी प्रेशर आएगा और फटाफट फटाफट भारत में भी बनाना चालू हो जाएगा। ये आप पर निर्भर है मित्रों, अगर आप आते हैं तो ही ये प्रेशर बढ़ेगा। अच्छे काम में साथ देना पड़ता है, वहां आना पड़ता है। आप बोलेंगे कि घर को बैठे बैठे हमें डिविडेंड आना चाहिए, सिर्फ हमें ये ओपन मार्केट में कब आते हैं इसके शेयर्स, और हमारे 10 गुना 100 गुना 1,000 गुना पैसा कैसे होगा। तो मित्रों ये अगर आपके विचार होंगे तो पक्का समझ जाना कि आपकी बुद्धि फिर ठीक नहीं है, क्योंकि आप जुआ खेल रहे हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप उस टेक्नोलॉजी का प्रचार नहीं कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया की समस्याएं खत्म होती है। तो कई लोग हैं मित्रों कि जो जाना तो चाहते लेकिन पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। मित्रों पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि यूएसटी के शेयर का मूल्य, स्काईवे के शेयर का मूल्य अच्छा बढ़ जाए, तो इसे जल्दी जल्दी बढ़ाने में और बनाने में आपने पार्टिसिपेशन करना चाहिए, तो इसका मूल्य फटाफट फटाफट बढ़ेगा, डिविडेंड भी जल्दी जल्दी शुरुआत होगी। और आप अगर चाहते हैं कि आपको भी डिविडेंड मिले, आपके बीवी बच्चों को भी आगे मिले, तो आपने जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस प्रोग्राम में। मैं तो यहां पार्टिसिपेट कर रहा हूं, जो कुछ खर्चा आएगा मुझे वो तो आएगा, आपको करना हो तो करो, मैं तो चला। और मित्रों एक ख्याल में रखना, जो लोग ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं उनका पोर्टफोलियो बढ़ते रहता है, जैसे हमारे शेयर्स यहां बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको भी अगर आपके शेयर्स बढ़ाना हो तो आपके ज्ञान को और आपके नॉलेज को, आपके इंफॉर्मेशन को और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि आंखों से देखेंगे आप वहां के लोग भी, और इसके जो टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं उन्हें भी, इंजीनियर्स लोगों की भी आंखों से आप देखेंगे, और वो वहां जो समझा के दिखाएंगे बताएंगे, वहां जो आप आंखों से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, भेजे में आएगा, नहीं तो आपका भेजा कोई काम का नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। आप समझो ना समझो, आपके गरीबी और अमीरी के कारण आप ही मित्रों दुनिया के, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें निवेशक है, हमारी भी स्ट्रक्चर में बोलो या फिर हमारे साथ में भी यहां बहुत सारे निवेशक है। बहुत सारे लोग विचार करते, मित्रों मेरे भी मित्र है कई जो इसमें निवेशक है, लेकिन वो विचार करते हैं कि 1,000-2,000 का 5,000 का खर्चा आएगा कैसे। तो मित्रों उनके शेयर्स की संख्या वही ठप्प है और उनका इनकम वही ठप्प है, जो उनको मिलेगा मिलेगा, लेकिन हमारा तो बढ़ता रहेगा, हम जाते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे और खर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन पैसा आते रहेगा मित्रों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए, आप खुद मजबूत हो जाए, तो ऐसे प्रोग्राम को जाना पड़ता है, आंखों से देखना पड़ता है। तो मित्रों यही मुझे बताना था कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्मार्ट लिनियर सिटी का, जो ये दिल्ली का स्मार्ट सिटीज का इंडिया एक्सपो 2022 है, वो जरूर देखिए, आप देखने लायक है, और लोगों को बताइए फटाफट ये वीडियो आप इधर उधर उधर इधर इधर से उधर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद हो तो, पसंद ना हो तो डिसलाइक कीजिए, वहां लिखिए कि हमें पसंद नहीं है, आपने जो बताया वो गलत बताया है, ऐसे कोई आदमी आगे बढ़ता है क्या, लिखिए ऐसा। और आप कृपया आपका मोबाइल नंबर भी वहां लिखना, ताकि लोग भी आपका पढ़े और आपको लिख पाए कि आपसे हमको बहुत मदद मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों एकदम न्यू दिल्ली में, कहां
जहां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 है। अगर आपके भेजे में कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है आ जाएगा आगे लेकिन तब तक लेट हो जाएंगे बहुत। मिलते हैं मित्रों, धन्यवाद। बीट स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी, यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ।